स्प्रिंग बूट वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड इनेबल SSL फॉर आर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, राइट। तो सबसे पहले ये समझना है कि SSL होता क्या है, वाई टू यूज SSL। सो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल पे और ये समझते हैं कि SSL होता क्या है बेसिकली, राइट। सो आई विल गो टू गूगल एंड राइट वाई टू यूज SSL सर्टिफिकेट, राइट। So look at the description saying that companies and organization need to add SSL certificates to their website to secure online transaction and keep customer information private and secure, right? So basically जहाँ server client server communication होता है, two way communication, तो आप client server communication के secure करना चाहते हो, right? तो आपको SSL certificate use करना। In short, SSL keeps internet connection secure and prevents criminals from reading and modifying information transferred between two systems. जैसे client server communication होता है, right? Then this communication you want to make basically secure, right? कि जो hackers होते हैं बीच में जो information transfer हो रहा है उसे modify या फिर read नहीं कर सके, उसके लिए आपको SSL certificate use करना होगा। इसके लिए मैं अपना मेरा खुद website है kkjavatutorials.com, उसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लॉक जैसा दिख रहा है, मतलब ये वेबसाइट सिक्योर है। लुक एट द डिस्क्रिप्शन सेइंग दैट कनेक्शन इज सिक्योर, योर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इज प्राइवेट व्हेन सेंड टू दिस साइट, राइट। और सर्टिफिकेट वैलिड बोल रहा है, राइट। तो जितना भी बैंकिंग वेबसाइट स्पेशली देखोगे सारे SSL पे होस्टेड होते हैं, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हो ये मैंने सर्टिफिकेट बाय किया है थर्ड पार्टी से, इसके लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़े हैं, राइट। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं स्प्रिंग बूट में जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। दो तरह के सर्टिफिकेट होता है, एक तो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होता है जो आप खुद जनरेट कर सकते हो। JDK में एक टूल आता है, की टूल करके JDK के अंदर आता है, उसे के हेल्प से आप हम सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि थर्ड पार्टी अथॉरिटी से सिक्योर सर्टिफिकेट आप खरीद सकते हैं, राइट, जो कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होता है। लेकिन आप जब डेवलपमेंट में काम करते हो तो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट आप क्रिएट कर सकते हो खुद से, राइट, और उसे आप टेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाता है तो थर्ड पार्टी जो सिक्योर बेसिकली सेल्फ साइन सिक्योर जो सर्टिफिकेट होता है SSL सर्टिफिकेट वो हम यूज करते हैं, राइट। गाइस एक और बात बोल दूँ कि SSL जो होता है वो पुराना नाम है, नया नाम हो गया उसका TLS, ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी। लेकिन SSL इतना पॉपुलर है कि स्टिल पीपल यूज टू टेल SSL TLS, यूजुअली बहुत कम लोग बोलते हैं SSL ही बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस कि सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और आई विल मूव इनटू द डी ड्राइव, राइट। और यहाँ डी ड्राइव में लेट मी क्रिएट वन फोल्डर, लेट से MKDIR और SSL फोल्डर क्रिएट करते हैं, राइट। ऑलरेडी ये डायरेक्टरी है तो मैं इसमें मूव कर जाता हूँ SSL में, राइट। तो इस डायरेक्टरी में मूव कर गया और हमें एक कमांड यूज करना होगा, राइट। लेट मी शो यू व्हाट इज दैट कमांड, दिस इज द कमांड। सो की टूल आपको यूज करना होगा, की टूल इज द वन ऑफ द exe फाइल विद इन द JDK। JDK के बिन में जाएंगे तो की टूल मिलेगा आपको, राइट। तो की टूल प्रोवाइड्स यू बेसिकली वन बेसिकली की जेन बेसिकली कमांड थ्रू विच वी कैन जनरेट द सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। तो की टूल के बाद आपको लिखना है हाइफन जेन की, दैट इज द वन ऑफ द कमांड विद इन द की टूल विच हेल्प अस टू जनरेट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। उसके बाद एलियस देना होगा, राइट। हर एक फ्लैग के आगे आपको हाइफन दे देना है एलियस। एलियस यू कैन गिव एनीथिंग, आई हैव गिवन द सेल्फ साइन बट इट्स नॉट मीन दैट यू हैव टू गिव द सेल्फ साइन ओनली, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स नेक्स्ट फ्लैग की स्टोर टाइप है, स्टोर टाइप आई हैव गिवन PKCS12, राइट। उसके बाद आपको देना है की एल्गोरिदम देना है, तो RSA मैंने दिया है। RSA इज द वन ऑफ द वेरी फेमस एल्गोरिदम, डेफिनेटली आपने सुना होगा, जो जावा क्रिप्टोग्राफी में आता है, राइट। उसके बाद इस एल्गोरिदम का जो साइज है 2048, ऑलमोस्ट 2 MB है। और उसके बाद की स्टोर, जो एक्चुअल की स्टोर है, जो आपका फाइल जहाँ पे आपका सेल्स साइन सर्टिफिकेट जनरेट होकर स्टोर होगा उसका नाम आपको देना है। तो मैंने दिया है mykeystore.jks। JKS क्या होता है, एक्सटेंशन है जावा की स्टोर, बट इंस्टेड ऑफ JKS यू कैन गिव द एक्सटेंशन P12 एज वेल। उसके बाद फाइनली आपको देना है फ्लैग इज कॉल्ड वैलिडिटी, हाउ लॉन्ग योर जनरेट दिस की, राइट, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट की इज गोइंग टू बी वैलिड, राइट।
तो ये मैंने 365 डे दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, 100, 200, 500 डेज, राइट, कुछ भी, और इसको आपको कॉपी करना है एंड लुक एट दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू पुट इन टू द एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल इन आर एसपी गुड एप्लीकेशन। तो यहाँ दीज आर द फ्लैग, दीज आर द प्रॉपर्टीज आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट, कि यहाँ देख रहे हो SSL की एलियस, जो यहाँ एलियस जो गए वही एलियस यहाँ देना है। उसके बाद की स्टोर टाइप, की स्टोर टाइप हमने PKCS12 दिया है तो वो देना है। उसके बाद आपको देना है की स्टोर, जो एक्चुअल की स्टोर जो फाइल नेम है, जो आपको क्लास पाथ में डालना है। व्हेनेवर SRC मेन रिसोर्सेज में आपको इस फाइल को, जनरेटेड फाइल को डालना होगा, राइट, क्योंकि क्लास पाथ कॉलन में वो फाइल नेम दे रहा हूँ। उसके बाद जो की, ये जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हम जनरेट करने जाएंगे तो हमसे पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ मैंने pass123 SSM पासवर्ड वहाँ डाल दूंगा मैं। और उसके बाद जैसे कि आप जानते हो कि HTTP जो कॉल होता है वो यूजुअली 8080 पे जाता है, राइट, ऑफकोर्स यू कैन चेंज दैट पोर्ट एज वेल, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जो सिक्योर पोर्ट होता है, HTTPS पोर्ट होता है यूजुअली, वो होता है 8443, तो सर्वर पोर्ट ऑल्सो वी विल चेंज, राइट। नाउ थिंग इज दैट कि जब हम यदि ये कन्फिगर कर देंगे तो हमारा जो HTTPS होता है वो किस पे सर्व होगा, 8443 पे, राइट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन ऑल्सो कैन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम द 8080 पोर्ट। तो यहाँ पे आप दो पोर्ट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में, आपको दूसरा पोर्ट आपको एप्लीकेशन को बताना होगा, वेन एवर रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम द 8080 देन प्लीज़ रीडायरेक्ट दोज रिक्वेस्ट टू द पोर्ट नंबर 8443 और HTTPS, राइट। सो जो भी रिक्वेस्ट हमारे एप्लीकेशन के लिए HTTP पे आएगा उसको हम रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं HTTPS से, तो उसको हमको प्रोग्रामेटिकली करना होगा। तो हम एग्जांपल क्रिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई एम गोइंग टू क्रिएट वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, राइट, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट स्प्रिंग स्टार्टअप प्रोजेक्ट एंड हियर यू हैव टू गिव द प्रोजेक्ट नेम, मैं देता हूँ स्प्रिंग बूट SSL वेव ऐप, राइट, मेक सेंस, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं मीनिंगफुल। उसका नेक्स्ट मैं क्लिक करता हूँ एंड हियर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ओनली वन थिंग स्प्रिंग वेव, ठीक है, और क्लिक करते हैं नेक्स्ट एंड फिनिश। सो गाइज, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, स्प्रिंग बूट SSL वेव ऐप, और यहाँ जाते हैं और एक छोटा सा RESTful API क्रिएट कर लेते, दिस इज आर स्प्रिंग बूट Bootstrap क्लास, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट और एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पे एक हेलो कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, REST कंट्रोलर, छोटा सा गेट API, REST API क्रिएट कर लेते हैं, राइट। सो आई एम गोइंग टू एनोटेट दिस क्लास एज REST, राइट, एंड लेट मी क्रिएट वन स्मॉल RESTful API, राइट, सो इट्स अ पब्लिक स्ट्रिंग वेलकम, ओके, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू एनोटेट दिस REST API गेट मैपिंग, and here we need to specify the path I'm going to specify forward slash, that's it, and this REST API is going to return some welcome message, and let's say welcome message is welcome to REST world, right, simple get REST API which is going to return this welcome message. Now if I run this application, right, so by default क्या होगा, जो embedded Tomcat है that will be started on 8080 port. तो आप console में आप देख सकते हैं कि Tomcat is started on ports, right, ports दिया है, right, S दिया है, that means you can configure more than one port as well. अभी एक ही port है 8080 which is supporting HTTP protocol only, right. यदि मैं जाऊँ यहाँ और यहाँ लोकल होस्ट 8080 पर कॉल करूँ तो आई एम एबल टू कॉल द माई RESTful API, राइट. अब मुझे इसे कन्फिगर करना है ताकि ये काम करे HTTPS के लिए, राइट. सो जस्ट आई एम गोइंग टू किल द सर्वर, जस्ट आई एम गोइंग टू स्टॉप द सर्वर और एंड लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू क्रिएट SSL सर्टिफिकेट, राइट. तो डी ड्राइव में SSL फोल्डर है, उसके अंदर मैं एक कमांड यूज करके SSL सर्टिफिकेट क्रिएट करने जा रहा हूँ, राइट. सो यू नो व्हाट इज दिस कमांड इज ऑल अबाउट, एंटर प्रेस करते हैं तो सबसे पहले दिस इज आस्किंग मी टू एंटर पासवर्ड, तो पासवर्ड pass123 आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई, अगेन यू नीड टू री एंटर द सेम पासवर्ड,
right? And now it is asking me to enter the first and last name. So I'm going to specify KK Hindi Gyan. Let's say KK is the first name, KK Hindi Gyan is the last name. Now, what is the name of your organization unit? So I would say KK Hindi Gyan only. Okay, now it is asking me what is the name of your organization, right? Organization unit, KK Hindi Gyan. जो भी वैलिड होगा वो सब देना है आपको. व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिटी? लेट्स से आई एम स्पेसिफाइंग मुंबई, राइट? एंड व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट और प्रोविंस? तो मैं देता हूँ MH महाराष्ट्र कोड. एंड टू लेटर कंट्री कोड आपको देना है, IN, राइट? इफ यू प्रेस एंटर देन इट इज सेइंग इज, जैसे CN मतलब कंट्री नेम, क्या CN मतलब कंपनी नेम, सॉरी. OU मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट. ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो बता रहा है आपको. ऑर्गेनाइजेशन नेम दिया है, फिर आपने सिटी का जो नेम दिया है, मतलब लोकेलिटी जो दिया है, राइट? स्टेट क्या दिया था और कंट्री कोड क्या दिया था, ये सब करेक्ट है कि नहीं कंफर्म करने के लिए बोल रहा है. तो आप यस लिख कर एंटर प्रेस कर दो, राइट? नाउ सर्टिफिकेट हैज क्रिएटेड इन डी ड्राइव. सो इफ आई गो टू माई डी ड्राइव स्पेशली SSL, यहाँ तो देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट क्रिएट हो गया है. तो इसे मैं कॉपी करूँगा और कहाँ पेस्ट कर देना है गाइज. आप ऐसा नहीं कि आपको हमेशा इस सर्टिफिकेट यहाँ ही रखना है, SRC मेन रिसोर्सेस में ही रखना है. आप कहीं भी इसे रख सकते हैं, राइट? लेकिन कहीं भी रखते हैं तो सेम लोकेशन यहाँ प्रॉपर्टीज फाइल में आपको स्पेसिफाई करना होगा, राइट? सो आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस ऑल प्रॉपर्टीज. जस्ट मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ गाइस कि टाइम लग जाएगा हर चीज़ को टाइप करूँगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट माई एप्लीकेशन, राइट? सो आई एम गोइंग टू रन एज स्प्रिंग बूट ऐप. नाउ यू सी कंसोल, यू सी टॉम कैज स्टार्ट इन पोर्ट्स 8443 और अभी HTTPS पे काम कर रहा है, राइट? सो नाउ इफ यू ट्राई टू इन्वोक योर RESTful वेब सर्विस ऑन 8000 दैट वॉन्ट वर्क, राइट? वो काम नहीं करेगा. आपको किस पे करना है? 8443 पे. तो यहाँ अभी मैं रेस्टफुल करूँ तो ये नहीं काम कर रहा, राइट? ये रिक्वेस्ट जाहिर है. तो आप 8443 पे करना है, 8443 पे करना है, राइट? एंड नाउ इफ आई प्रेस एंटर दैन यू गेट दिस काइंड ऑफ मैसेज. नो वरी, बिकॉज ये जो सर्टिफिकेट हम यूज कर रहे हैं ये सिक्योर नहीं है, यही हमें बता रहा है. तो एनीवे हम ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं. सर्टिफिकेट बोल रहा है इनवैलिड है, बट दिस इज वर्किंग सेम एज द हाउ योर बेसिकली अ सिक्योर सर्टिफिकेट वर्क्स, राइट? जो बाय करने वाला सर्टिफिकेट हो जैसा काम करता है वैसे. तो एडवांस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू लोकल होस्ट क्लिक करना है. तो यू कैन सी आई एम एबल टू कॉल माई RESTful वेब सर्विसेज, राइट? एंड आप चाहो तो दूसरा ब्राउजर जैसे IE पर भी देख सकते हो, आप कोई भी ब्राउजर पर देखिए. दिस शुड वर्क ऑन एवरी ब्राउजर, राइट? इफ आई गो ओवर हियर एंड आई पेस्ट दिस RESTful URL, इफ आई प्रेस एंटर देन हियर ऑल्सो यू गेट सम काइंड ऑफ मैसेज. यू हैव टू क्लिक गो ऑन द वेब पेज, राइट? सो वी आर एबल टू कॉल आर RESTful वेब सर्विसेज, बट आई एम नॉट एबल टू कॉल माई RESTful वेब सर्विस इन द पोर्ट 8080, राइट? तो इसके लिए आपको कुछ एप्लीकेशन में कस्टमाइजेशन करना होगा, क्योंकि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज वहाँ एक ही पोर्ट आप मैंसन कर सकते हैं. ऐसा नहीं कर सकते कि 8443 भी सपोर्ट करो 8080. आपको एप्लीकेशन को ये बताना होगा कि वेन एवर रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम 8080, राइट, यूजिंग HTTP, देन प्लीज रीडायरेक्ट टू द HTTPS, राइट? उसके लिए हमें प्रोग्रामेटिकली कोड लिखना होगा, राइट? सो टू मेक दोज काइंड ऑफ चेंज व्हाट आई एम गोइंग टू डू गाइस, मैं जाता हूँ अपने एप्लीकेशन में, सॉरी, और यहाँ एक मैं अलग से पैकेज क्रिएट करता हूँ. लेट्स से कॉन्फिग पैकेज, कॉन्फिग, राइट? और यहाँ मैं एक क्लास ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन क्रिएट किया है, वो मैं डंप कर देता हूँ, राइट? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्लास इज ऑल अबाउट क्या है, राइट? सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो दैट शुड बी एनोटेटेड विद एट कॉन्फ़िगरेशन, राइट? एंड हियर इनसाइड दिस वी हैव टू क्रिएट वन बीन, राइट? बीन, एंड व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ बीन? सर्वलेट वेव सर्वर फैक्ट, ये टाइप होगा उसका, राइट? और क्या करना है आपको कि अ क्लास इज कॉल्ड टॉमकैट सर्वलेट वेव सर्वर फैक्ट्री. बिकॉज हम टॉमकैट यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम टॉमकैट सर्वलेट वेव सर्वर फैक्ट्री यूज कर रहे हैं क्लास. लेकिन यदि आप जेटी यूज करेंगे या अंडर टू तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग क्लास आपको लेना होगा, राइट?
और एक क्लास में एक मेथड होता है समथिंग इज कॉल्ड पोस्ट प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट, उसको मैंने ओवर राइट कर दिया है, राइट। दिस इज द एनोनिमस क्लास आई हैव क्रिएटेड फॉर दिस क्लास, राइट। और उसके अंदर जो मेथड है पोस्ट प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट, राइट, उसको ओवर राइट कर दिया है जो कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर लेता है, राइट। एंड आई हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट एंड देयर यू हैव टू सेट द वैल्यू एज कॉन्फिडेंशियल, राइट। डेफिनेटली यू हैव डन दिस काइंड ऑफ कॉन्फिग्रेशन इन wave.xml जब सर्वलेट प्लेन सर्वलेट यूज करते थे तब, लेकिन यहाँ हम प्रोग्रामेटिकली कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कलेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जहाँ आपको URL पैटर्न देना है। आपको बोलना है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है, जो भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड स्लैश स्टार दे दिया, मतलब सारे रिक्वेस्ट को हमको रीडायरेक्ट करना है HTTPS में, तो URL पैटर्न आपको ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट में आपको सिक्योरिटी कलेक्शन को ऐड कर देना है, राइट। और फाइनली इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसमें आपको क्या करना है, ऐड कंस्ट्रेंट को, एज कंस्ट्रेंट को कॉल करके जो सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट है उसको ऐड कर देना है, राइट। एंड नाउ वंस यू आर डन विथ ओवरराइडिंग दिस मेथड यू कम आउट, राइट, इस मेथड के अंदर ही। लेकिन और उसके बाद ये जो इंस्टेंस क्रिएट किए उसमें ऐड एडिशनल टॉम कैट कनेक्टर्स, मुझे एडिशनल टॉम कैट कनेक्टर चाहिए HTTPS के लिए, राइट, सॉरी HTTP के लिए, राइट, 8080 पोर्ट के लिए। तो यहाँ पर इसमें पास कर रहा हूँ मैं HTTP to HTTPS रीडायरेक्ट कनेक्टर, जो कि प्राइवेट मेथड है, राइट। यहाँ से प्राइवेट मेथड को कॉल कर रहा हूँ मैं। और फाइनली जो ये जो मेथड है, राइट, किस टाइप का बिन रिटर्न करेगा, इस टाइप का सर्वलेट वेव सर्वर फैक्ट्री, दिस इज द इंटरफेस व्हिच इज गोइंग टू इंप्लीमेंट बाय दिस गाइस, राइट। सो सेम टाइप ऑफ बिन यू हैव टू रिटर्न, राइट। और यहाँ प्राइवेट मेथड यहाँ से इंटरनली कॉल हो रहा है, जहाँ ये मेथड का काम क्या है, यहाँ पर मैंने रिफैक्टर कर दिया है। ऑफकोर्स यू कैन राइट दिस कोड इन साइड दिस ओनली हियर ओनली, बट मैंने रीडायरेक्ट इसको कर दिया है प्राइवेट मेथड में, इसे रिफैक्टर कर दिया बेसिकली। एंड वेन एवर रिक्वेस्ट कम्स ऑन द पोर्ट 8080 देन दिस कोड विल बेसिकली रेस्पॉन्सिबल टू रीडायरेक्ट द रिक्वेस्ट टू द HTTPS पोर्ट, राइट, HTTPS प्रोटोकॉल, राइट। HTTPS का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट। और यहाँ देख सकते हो कि मैंने HTTP प्रोटोकॉल सेट किया है जो कि 8080 पर है, और यहाँ सेट सिक्योर आपको फॉल्स करना है। लुक एट द हियर, सेट द सिक्योर कनेक्शन फ्लैग दैट विल बी असाइन टू द रिक्वेस्ट रिसीव थ्रू दिस कनेक्टर, राइट। यहाँ फॉल्स करना है चूंकि मुझे HTTPS पे इसको रीडायरेक्ट करना है, राइट। सेट रीडायरेक्ट पोर्ट क्या करना है, 8443 एंड इट इज़ रिटर्निंग द कनेक्टर ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग टू बेसिकली असाइन ओवर हियर, राइट। प्रिटी सिंपल दोस्तों, जस्ट मैं थोड़ा सा रिफैक्टरिंग किया कोड को, जैसे जो कंट्रोलर है इसमें डॉट कंट्रोलर पैकेज है उसमें मैंने डाल दिया है इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन द डॉट ऐप, राइट। और मैं इसे एप्लीकेशन को रन करते हैं, राइट क्लिक और स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी इन द कंसोल, आप देख सकते हैं टॉम कैट स्टार्टनल पोर्ट्स 8443 HTTPS के लिए और 8080 किसके लिए है, 8080 HTTP के लिए। मीन्स नाउ माई ऐप इज गोइंग टू सपोर्ट HTTPS एज वेल एज HTTP, राइट। अब मैं जाता हूँ, यहाँ मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट 8080 इस पर मैं 8080 पोर्ट पर मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा HTTPS पे। लुक एट हियर, HTTPS पे रिडायरेक्ट हो गया 8443 पे, राइट। सो गाइस, इस तरह से आप चाहो तो आपका एप्लीकेशन HTTPS और HTTP दोनों को सपोर्ट कर सकता है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ये जो सोर्स कोड है ये मैं GitHub पे पोस्ट कर दूंगा, और GitHub लिंक यू कैन गेट फ्रॉम दैट वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में।